कारणों से महिला ने अकेले लिया लोहा। चीखती चिल्लाती रही लेकिन घर में नहीं घुसने दिया। पंजाब की बब्बर शेरनी दिलेरी और दिमाग का किया गजब इस्तेमाल। पंजाब के अमृतसर से एक महिला की दिलेरी का वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो वेरका में एक ज्वेलर के घर का है जहां तीन बदमाशों की दिन दहाड़े लूट की कोशिश बुरी तरह से नाकाम रही। आपको बता दें कि घर की एक महिला ने उन्हें ऐसा मजा चखाया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। ये पूरी घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई जिसमें दिख रहा है कि कैसे वो महिला दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रही है। वीडियो में उसके चिल्लाने की आवाजें साफ सुनाई पड़ रही हैं। वो काफी डरी हुई थी, उसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और अंत तक डटी रही और लुटेरों को अपने घर में नहीं घुसने दिया। खबरों की माने तो इस बहादुर महिला का नाम मनप्रीत बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में घर के बाहर का और घर के अंदर का सीसीटीवी फुटेज देखने को मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मनप्रीत छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई थी। जब उसने देखा कि उसके घर के बाहर तीन लोग मुंह पर कपड़ा बांधे खड़े हैं, तभी वो समझ गई कि पूरा माजरा क्या है। उसने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया और तुरंत नीचे आ गई और घर का दरवाजा बंद कर दिया। वो तीनों युवक घर की दीवार फांद कर आ गए और अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। दरवाजा बंद था तो उन्होंने धक्का लगाकर उसे खोलने का प्रयास किया। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कैसे वो महिला पूरी कोशिश कर रही है कि दरवाजा ना खुल सके। वीडियो में महिला डर के मारे चीखती चिल्लाती हुई नजर आ रही है। जब उसे लगा कि वो हाथों से दरवाजा नहीं रोक पाएगी तो उसने जैसे तैसे सोफा आगे कर दिया ताकि लुटेरे घर का दरवाजा खोलकर अंदर ना आ सके। वीडियो में दो छोटे छोटे बच्चे भी देखे जा सकते हैं। जब दरवाजा नहीं खुला तो वो तीनों युवक वहां से 9-2-11 हो गए। बताया जा रहा है कि लुटेरों के पास हथियार भी थे जिनसे कोई भी नुकसान पहुंचाया जा सकता था। जानकारी के मुताबिक ये मकान सुनार जगजीत का बताया जा रहा है। घटना के वक्त ज्वेलर जगजीत अपनी दुकान पर मौजूद थे। पीड़ित ने बताया कि लुटेरे घर की दीवार फांद कर अंदर घुस गए और काफी चिल्लाने के बाद लुटेरे भाग निकले। वहीं पीड़ित का आरोप है कि जब उसने वेरका थाने के पुलिस अधिकारी को फोन किया तो उन्होंने फोन उठाना मुनासिब ही नहीं समझा। की घटना वापरी है ते कदों दा समां की समझे? जी कोशिश की अपना अपने बच्चों का बचाव करने वास्ते बूहा बंद किया। पहले दो जने ने बूहा खोलने की कोशिश की, उन्होंने खुलिया नहीं। तीन तीसरा बार त्या खिया उन्हें भी नाल ही धक्का लाने की कोशिश की, उन्होंने खोलिया। मेरे बच्चे बड़ा रोए, बीमार भी हो गए इस टेंशन के नाल। उस टाइम का हालात की सी ताडे? क्योंकि एक बहनों बहुत मुश्किल होता है, तीन नौजवान सन। हूँ की मांग की करते
वहीं जब इस घटना को लेकर पुलिस को शिकायत दी गई तो इस मामले में पुलिस भी जांच में जुट गई है। इस घटना को लेकर बेरफा थाने के पुलिस अधिकारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मंगलवार यानी 1 अक्टूबर शाम बेरका के स्टार वेन्यू इलाके में 3 युवा के घर में घुस आए और महिला से लूटपाट करने की कोशिश करने लगे। मैडम की मामला ये कल शाम नु जी एक लेडी घर सी नाल अपने दो बच्चों दे हस्बैंड दे सुनहरा है जी उन्हां दी दुकान है इसके मुस्तफाबाद बटाला रोड ते अपने घर कल्ली सी बच्चों दे नाल ते 3 बंदे ने ओदे घर वड़न दी कोशिश कीती है जी ते की सामने आया जी ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੰਦੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਣੇ ਆਏ ਜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਖੰਗਾਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਂਦੇ ਵਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਘਰ ਮੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਮੇ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਲਦ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਆਰੋਪੀ ਕੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਸਰ ਘਟਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਸਤਾਬਾ ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਕਿ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀ ਝਾੜਾ ਪੈਣ ਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਉਸੇ ਲਈ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਦਾ ਵਾਂ ਸਾਰਾ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਗੁਆਂਢ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਮੂੰਹ ਮਾਲ ਲਪੇਟਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਤਾ ਦੂਸਰੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀਤੀ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ ਪਰ ਘਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਚਿਟਕਣੀ ਮਾਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਵੈਪਨ ਸੀ ਕੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐੱਸ ਐੱਸ ਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 4:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐੱਸ ਐੱਸ ਓ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਆ ਚੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਕੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿਓ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਸ਼ਤ ਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗਸ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੰਗ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲਾਗੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੈਪਨ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਵੈਪਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੁਸਤਾਬਾ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਜੀ 4 ਲੱਗੇ ਜੀ ਭਾਜੀ ਕੈਮਰੇ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ